नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी टीवी। मैं हूं रीना यादव। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। डोलरी तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों में विगत कई दिनों से किसान क्रांति यात्रा का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के संस्थापक दर्शन सिंह चौधरी के नेतृत्व में किया जा रहा था, जिसके बाद आज बुधवार दोपहर किसान क्रांति यात्रा को लेकर डोलरिया तहसील के मिश्रोत तिराहे पर आसपास के सभी ग्रामों से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान एकत्रित हुए, जहां से सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के बाद रैली के रूप में किसान एवं गांव से आए लगभग 3 दर्जन से अधिक ट्रालियां मिश्रोत तिराहे से बांद्रा भान के लिए रवाना हुई। ट्राली में सभी किसान भजन कीर्तन करते हुए रवाना हुए। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष राकेश कौर ने बताया कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। 10 दिन में कर्ज माफी की बात कही थी और आज 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी कर्ज माफी का कोई ठिकाना नहीं है। किसान आंदोलन के लिए मजबूर हो गया है। किसान क्रांति यात्रा उसका ही परिणाम है। उन्होंने बताया कि डोलरिया से किसान क्रांति यात्रा बांद्रा भान के लिए रवाना हो रही है, जहां एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद 5 मार्च को होशंगाबाद में 76 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और वह तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के नेतृत्व में 4-5 मार्च को 2 दिवसीय किसान क्रांति यात्रा निकाली जा रही है। हमारा 76 सूत्री ज्ञापन है, जो कि हम संबंधित विभागों को अवगत करा चुके हैं। किसानों की स्थिति आज कोई खेती करना नहीं चाह रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है, हर व्यक्ति खेती से दूर भाग रहा है। हम इन्हीं विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय की तरफ कूच कर रहे हैं और कल हमारा विशाल धरना रैली प्रदर्शन होगा। इसके बाद अगर विभाग हमें लिखित आश्वासन देगा तो हम धरना समाप्त करेंगे, नहीं तो हमारा धरना अनवरत चलते रहेगा। यहाँ पर मिश्रोत तिराहे पर आपने एकत्रीकरण का कार्यक्रम किया है, यहाँ पर लगभग कितने ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह और किसान कितनी की संख्या हो जाएगी? अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ट्रैक्टरों की संख्या लाइन कहाँ से शुरू हो के कहाँ ख़त्म हो रही है, ये तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है। काफ़ी अच्छी संख्या में, जो हमने उम्मीद की थी उससे कहीं अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है। इसके लिए पूरी किसान और मजदूर समाज को राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ कोटि कोटि धन्यवाद देता है। मानते हैं आपकी सरकार ने किसानों के साथ दोहरी नीति की, किसानों में आक्रोश है, उसने अपने जो वचन पत्र में वादे वगैरह पूरे नहीं? दोहरी नीति नहीं, नीति तो कितनी ख़राब है आप देख रहे हैं। 1 वर्ष हो गया है पूरे 10 दिन उंगली पे गिनाए थे, वो ऋण माफ़ी अभी तक नहीं हुई। 160 रुपये जो मिलना था वह भी नहीं मिले, और सोयाबीन की जो 500 रुपये कुंटल की राशि थी उसकी तो सरकार बात करने ही भूल गई है। और इसमें केंद्र सरकार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्र सरकार ने भी अपने वचन पत्र घोषणा पत्र में लागत के आधार पर 1.5 गुना लाभकारी दाम देने की जो बात की थी उसमें अभी तक कुछ नहीं है। किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है, और सरकार ने जो किसानों को 55 वर्ष की आयु के बाद पेंशन देने की जो बात की थी उसका भी कोई अता पता अभी तक नहीं है। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ हर समय आपके बच्चे के साथ। जी हाँ, उड़ान द 7 हैबिट्स स्कूल श्योपुर में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाओं का मार्गदर्शन, किया जाएगा बच्चे का संपूर्ण विकास। स्कूल में वैकेंसी भी ओपन हो चुकी है, यदि आप है काबिल तो आपके लिए स्कूल में जॉब उपलब्ध है। एडमिशन और जॉब के लिए तुरंत संपर्क करें स्कूल प्रबंधन से। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं सहित
किसानों ने तहसील कार्यालय में एकत्रित होकर डोलरिया तहसीलदार ज्योति ढोके को ज्ञापन सौंपकर बारिश से बर्बाद हुई फसल का सर्वे जल्द कराने की मांग की। किसान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि डोलरिया तहसील के कई ग्रामों में 1 मार्च की रात लगभग 10 बजे अचानक हुई बारिश एवं तेज हवा के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हमारे द्वारा मांग की गई है कि जल्द से जल्द जांच दल गठित करके संबंधित क्षेत्र का अति शीघ्र निरीक्षण कराकर पीड़ित किसानों को राहत राशि एवं बीमा राशि दिलाई जाए, जिससे किसानों को होने वाली क्षति की पूर्ति की जा सके। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ता एवं किसान उपस्थित थे। पहले ज्ञापन देकर जा चुके हैं सर्वे के लिए नुकसानी के, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी आदेश आएंगे जब ये कार्रवाई करेंगे। आगे जैसे अभी कलेक्टर महोदय और डीडीओ साहब जो नरवाई के लिए जन जागृति चला रहे हैं, उसके तहत हमने लिखित में पहले भी दे चुके हैं, पंचायतों में टैंकर जो सुधार हैं उसके लिए भी कोई निर्देशित नहीं कर रहे हैं। विद्युत विभाग अभी जो आग जलने के कारण जो होते हैं, विद्युत से जो लूज कनेक्शन होते हैं उनसे चिंगारियां गिरती हैं और वो उससे आग लगती है। हमने अब 10 दिन पहले इनको विद्युत विभाग को भी एक आवेदन दे चुके हैं, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर ये 10 तारीख तक आगामी 10 मार्च तक हमारी जो मांगे हैं इन पे अगर ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, समाधान नहीं करते हैं, तो किसान संघ धरना आंदोलन करेगा। नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत देश की पहचान। एडमिशन ओपन हो चुके हैं श्री ज्ञान रतन एकेडमी बानापुरा सिवनी मालवा में। यहाँ आपके बच्चे सीखेंगे हर दिन कुछ नया, वो भी उच्च शिक्षित शिक्षक शिक्षिकाओं से। स्कूल में वैकेंसी भी ओपन है। यदि आप में है वो हर क्वालिटी जो हमें चाहिए तो आपके लिए जॉब उपलब्ध है, इसलिए स्कूल प्रबंधन से एडमिशन और जॉब के लिए तुरंत संपर्क करें। डोलरिया तहसील में बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर धरना प्रदर्शन 4 मार्च 2020 से किया जाना था, जो कि अचानक रद्द कर दिया गया। रद्द होने के बाद बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने डोलरिया तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार ज्योति धोके को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि भारत में NCR, NPR और CA को लेकर जनमानस में आक्रोश है। देश इसके द्वारा धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है, जिससे देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को क्षति पहुंच रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि खराब हो रही है। देश में केंद्र सरकार ने इस एक्ट के जरिए आपातकाल की स्थिति निर्माण की है। आपको बता दें कि उक्त आंदोलन 3 चरणों में होना है। पहले चरण में आज 4 मार्च 2020 को तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपा गया, वहीं दूसरा चरण 11 मार्च 2020 को तहसील स्तर पर प्रदर्शन रैली निकाली जाएगी। साथ ही तीसरे चरण में 18 मार्च 2020 को ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन रैली निकाली जाएगी। बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनील ठाकुर ने बताया कि बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा NPR बॉयकॉट आंदोलन घोषित किया गया है, जिसके द्वारा 3 चरणों में तहसील और ब्लॉक स्तर पर धरना एवं प्रदर्शन रैलियां की जाएंगी। ये धरना प्रदर्शन और रैलियां कानून व्यवस्था का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी, जिसमें बहुजन क्रांति मोर्चा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। सिवनी मालवा में 14x50 का प्लॉट नए थाने के सामने स्थित कॉलोनी में बेचना है। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय चतरखेड़ा सिवनी मालवा में परियोजना स्तरीय बालिका अनुकूलित विद्यालय हेतु विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम विकासखंड स्तर पर किया गया, जिसमें महिला बाल विकास की पर्यवेक्षक चंद किरण डोले द्वारा विद्यालय में बालिका के लिए अनुकूलित सुरक्षित वातावरण व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय में बालिका शौचालय, शिकायत पेटी, सुझाव पेटी, बालिका संबंधित पठन पाठन सामग्री, वेंडर मशीन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं विद्यालय में सभी जाति सभी धर्मों की बालिका अध्ययन करती हैं, तो सभी धर्मों और जातियों का सम्मान भी रखा जाना चाहिए। वहीं शिक्षा विभाग से आए शिक्षक रोहित रघुवंशी, MK गढ़वाल के द्वारा शाला त्यागी बालिकाओं के शाला त्यागने के कारण आदि पर चर्चा की गई। साथ ही संस्था के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रेम सिंह चौहान द्वारा पोषण संबंधी जानकारी दी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पालक और स्कूली बच्चे उपस्थित थे। सिवनी मालवा के ग्राम लोखर तलाई में आयोजित संगीत में राम कथा एवं नौलाख राम नाम मंत्र के आयोजन में आज राम विवाह का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ। वहीं श्री राम का सीता मैया से विवाह होते ही सभी भक्त नाचने गाने लगे। आपको बता दें कि राम विवाह की संपूर्ण कथा पंच सूरदास जी के द्वारा सुनाई गई, जिसे सुनने के लिए आसपास के कई ग्रामों से ग्रामीण पहुंचे थे। गौरतलब है कि उक्त आयोजन में कथा सुना रहे पंच सूरदास जी को आंखों से कुछ भी नहीं दिखता है, उसके बाद भी वे राम कथा का वाचन करते हैं, जिसे सुनने दूर दूर से लोग ग्राम लोखर तलाई पहुँच रहे हैं। जग में राम धरा चले, को सन्या
6 व्हीकल डंपर बेचना है, MP05G5532, MP05G5533, MP05F7332, NL03A7657, NL03A7645, MP48H0277। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 7000937360877018127 पर। सिवनी मालवा के श्री फांसी खेड़ी वाले बाबा स्थल पर 12 मार्च से 20 मार्च तक संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा, जिसमें कथा का वाचन आनंद मूर्ति देवी अन्नपूर्णा जी करेंगी। वहीं समिति के सदस्यों ने बताया कि कथा स्थल पगढ़ाल शिवपुर रोड पर स्थित है। आपको बता दें कि कथा का 12 मार्च को शुभारंभ सुबह 9 बजे कलश यात्रा निकाल किया जाएगा, जिसको लेकर सभी शहरी एवं ग्रामीण नागरिकों को आमंत्रण दिए जा रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग धर्म लाभ ले सके। डोलरिया तहसील के ग्राम सेमरी खुर्द के ग्रामीणों ने डोलरिया थाना प्रभारी को एक आवेदन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि ग्राम सेमरी खुर्द के रेलवे स्टेशन पर घुमक्कड़ जाति पारदी समाज ने PWD के रोड पर कब्जा कर रखा है, जिससे ग्रामवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। वहीं आए दिन ये लोगों के साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं। विवाद होने पर या ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने पर पारदी महिलाओं द्वारा थाने में झूठी शिकायत कर ग्रामीणों को झूठे प्रकरण में फंसा कर मोटी रकम भी वसूली जाती है। वहीं रात में पारदियों के घरों में असामाजिक लोगों का डेरा जमा रहता है, जो प्रतिदिन रात में शराब पीकर तेज आवाज में अश्लील गाने बजाते हैं, जिससे ग्राम के बच्चों को पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति इनको समझाता है तो ये गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं। निवास रेलवे स्टेशन के पास है, जहां से सभी यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। यात्री महिलाओं के साथ कई बार छेड़छाड़ के मामले भी सामने आए हैं, जिनका विरोध करने पर उनसे भी झगड़ा करते हैं। आपको बता दें कि शिकायत में ये भी बताया गया कि निवास करने वाले सभी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिन पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण इनसे डरते भी हैं। ग्रामीणों के द्वारा निवेदन किया गया है कि इन्हें अति शीघ्र ग्राम से हटाकर कहीं और भेजा जाए, ताकि ग्राम में शांति का माहौल बना रहे। सिवनी मालवा के जुनेद खान ने लुधियाना में आयोजित बॉडी बॉय एलाइट क्लासिक ओपन इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में 60 किलो वजन में पहला स्थान प्राप्त कर सिवनी मालवा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन किया। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर वापस अपने गृहनगर लौटने पर जुनेद खान का शहरवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं साथियों ने ओपन जीप से बैंडबाजों के साथ नगर भ्रमण भी कराया। जुनेद खान ने बताया कि ये सब मेरे गुरु शाहनवाज अली सोनू भाई के मार्गदर्शन के चलते हुआ है, जिन्होंने मुझे सही राह दिखाई है। आपको बता दें कि इस भव्य स्वागत में प्रमुख रूप से शेख शब्बीर, जिला मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा, उमर कुरैशी, शफी कुरैशी, जुबेर खान, सिराज खान, रिजवान, अभिषेक राठौर, सलमान मंसूरी सहित अन्य युवा उपस्थित थे। हिंदू सेना सिवनी मालवा ने नगर एवं ग्रामीण इकाई का गठन दूधियाबड़ परिसर में किया, जिसमें जिलाध्यक्ष कल्लू राठौर ने जिला महामंत्री जानू देवड़ा, नगर अध्यक्ष सुधीर साध, ग्रामीण अध्यक्ष चंदन लोवंशी, नगर उपाध्यक्ष मोहित शुक्ला, नगर महामंत्री सुजीत यदवंशी, नगर मंत्री राजविश्वकर्मा, नगर महासचिव शिवम गौर, गौरक्षा प्रमुख सोनू जाट, सह गौरक्षा प्रमुख पंकज बिंजाले, मीडिया प्रभारी सतीश सोनारे, सह मीडिया प्रभारी नीतेश राठौर को नियुक्त किया गया। पिपरिया बनखेड़ी स्टेट हाईवे क्रमांक 22 पर आज एक लोहे से भरे ट्रक और ऑटो की आपस में भिड़ंत हो गई। घटना इतनी भीषण थी कि सवारी से भरा ऑटो ट्रक के साथ कुछ दूर तक घिसटता चला गया। ऑटो में अधिकांश महिलाएं सवार थीं। दुर्घटना में एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल पुलिस व 108 की सहायता से पिपरिया अस्पताल लाया गया, जिनमें 3 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दुर्घटना ओवरटेक करने के चलते हुई। घटना के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। वहीं ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गौरतलब है कि शहर में 70 से अधिक ऑटो प्रशासन की आंखों के सामने ओवरलोड सवारियां लादे दिन रात दौड़ रहे हैं। वहीं पुलिस की ओर से कार्रवाई के नाम पर इनसे महज लाइसेंस, बीमा संबंधित जानकारी पूछी जाती है, जबकि यातायात नियमों को ताक पर रखकर ये 3 पहिया ऑटो शहरी सीमा से बाहर एक शहर से दूसरे शहर क्षमता से अधिक सवारी व स्कूली बच्चों को लेकर खुलेआम चल रहे हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बैठे कहाँ से थे ऑटो में? पेपर ही आ रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? राम। कैसे हुई घटना? ये घटना ट्रक से हुआ है, वो
ऑटो में हम लोग आ रहे थे, बरखा थे सब पीछे से इलाज कर रहे। तो कितने लोग सवार थे ऑटो में? 8 जने थे सर। तो ये क्या नाम है? अरविंद। कहाँ रहते हैं? बनखेड़ी। तो कैसे हुई घटना? अरे पीछे से ऑटो में चला था, हाँ चला गया। अच्छा, कितने लोग बैठे थे ऑटो में? ऑटो के जने बैठे थे। गर्भवती महिला भी है, इसका भी बाएं हाथ में गंभीर चोट है, इसके दाहिने हाथ में जी, और सिर में भी पूरा फट गया है उसका ऊपर से जी। उसे प्राथमिक उपचार करके यहाँ से जिला अस्पताल होशंगाबाद भेजा। बच्चे की स्थिति तो भी सामान्य थी जी, और पर माँ को गंभीर चोटें आई हैं। लगभग कितने लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं? गंभीर घायल 3 लोग हैं। महिलाओं की संख्या सर? महिलाओं की संख्या जो है 4 है। प्राथमिक जांच में अभी तक जो एक व्यक्ति मरा है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हम उसी की उसके परिजनों की तलाश में लगे हैं ताकि उसकी शिनाख्त हो जाए। लगभग कितने लोग घायल हुए? 6 लोग घायल है, जिसमें से 4 महिलाएं हैं, 2 जेंट्स है। किस वाहन से हुआ स्पष्ट होगा? ये स्पष्ट हुआ है कि ऑटो आगे आ रहा था और पीछे से एक ट्रक आ रहा था, उसने पीछे से टक्कर मारी है, जिससे ऑटो में बैठी जो सवारियां थी उनको चोटें आई है और जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हम उसी की उसके परिजनों की तलाश में लगे हैं ताकि उसकी शिनाख्त हो जाए। लगभग कितने लोग घायल हुए? 6 लोग घायल है, जिसमें से 4 महिलाएँ हैं, 2 जेंट्स है। किस वाहन से हुआ स्पष्ट होगा? ये स्पष्ट हुआ है कि ऑटो आगे आ रहा था और पीछे से एक ट्रक आ रहा था, उसने पीछे से टक्कर मारी है, जिससे ऑटो में बैठी जो सवारियां थी उनको चोटें आई है और जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। भारतीय किसान संघ की बैठक बानापुरा मंडी प्रांगण में आयोजित की गई, जिसके बाद तहसील कार्यालय आकर 9 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन SDM रविशंकर राय को सौंपा गया। आपको बता दें कि 9 सूत्री मांगों में गेहूं का 160 रुपए प्रति क्विंटल बोनस खातों में जमा करने, 25 मार्च से ही नहरों में पानी छोड़ने, मूंग के लिए रकबा बढ़ाने, विद्युत सप्लाई दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक करने, फसल कटाई से पहले बिजली के तार व्यवस्थित करने, मूंग की फसल के लिए बिजली का कनेक्शन 2 माह का अस्थायी दिया जाने, किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ किए जाने, किसानों को भी पेंशन देने की व्यवस्था सहित अन्य मांगे प्रमुख रूप से की गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष राम भरोस बसोतिया, संतोष पटवारे, शंकर सिंह पटेल, जगदीश पाटिल, ओम प्रकाश उपाध्याय, गुलाब सिंह लोबनसी, रामेश्वर जाट, नितेश भारद्वाज, ऋषभ भारद्वाज, इंद्राज, ब्रजकिशोर, रामविलास, जय सिंह रघुवंशी, करण सिंह, गोविंद मालवी, दुर्गा प्रसाद, रत्ती राम, राजनारायण, राजू, नरेंद्र, कैलाश यादव, ऋतुराज लोबनसी, संदीप लोबनसी, शिवम भारद्वाज, अनिल तवर, मनीष सिंहवाने सहित अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। 3 तारीख तो पहले हुई थी, उसमें एक बार हमने दे भी चुके थे, सरकार को अवगत करा रहे हैं कि आने वाली फसल का फिर से समय हो रहा है। पिछले 160 रुपये नहीं दिए, बैंकों में भी हालत ख़राब, सरकार भी कई नए नियम ला रही है, उन्हें कब सिंचाई वालों से वसूल करेंगे, कहीं निकाल नहीं देंगे, व्यापारी खरीदेंगे तो नहीं। कम से कम किसान को एक बार सच्चाई का पता लग जाए, इसके अंदर पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ ज्ञापन दे। 24 तारीख तय थी, फिर एकाएक इनको ऐसा लगा कि भाई साहब कुछ और रह गई थी बातें, तो अभी रखना था, तो आज भी इसीलिए वही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। एक तो आपने बोनस की बात कर रहे हैं, बोनस शास्त्र की है, दूसरा मसूर चना इनका पंजीयन की बात की, इनकी खरीदने की भी गारंटी होना चाहिए, तो किसान परेशान भी था। और कुछ क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, जैसे अभी कुछ पानी के नहर के उसमें भी भ्रम बना हुआ है, मैंने आज ही पढ़ा था कि 50,000 हेक्टर में पानी नहीं, और उधर पानी के लिए कह रहे हैं पानी की कोई कमी नहीं, 2,47,000 हेक्टर है। तो अपन चाहते हैं कि एक बार तय हो जाए कि कितने एरिया में पानी मिलने वाला, तो किसान परेशान नहीं हो, बीज की व्यवस्था पहले करके रख लेगा और आप बाद में कह देंगे इसमें पानी नहीं देना, तो इसकी तैयारी अभी से हो जाए। सरकार को बिजली के लिए 2 महीने के लिए कनेक्ट